इसका 7 के करीब आपने बताया, 7000। इसमें ये देख सकते हैं आप, ये ईयर रोकने के लिए भी दिया हुआ है। मजबूती का कैसे क्या है इसका? मजबूती के लिए सर इसमें आपको सर्टिफिकेशन मिल जाते हैं ISI, EC और डॉट। हेलो एवरीवन, मैं सोहेल सुल्तान फिर से आप का स्वागत है। अभी मैं जहां आया था आप लोगों ने अब देख सकते हैं, मुजफ्फरपुर से मैं निकला हूं और रात का मौसम है और ये अब बज गया है, 6:11 हुए हैं। मैं जहां आया था आप लोगों ने वैसे तो इस शॉप को बहुत बार देखा होगा, इसे दिखाने की जरूरत है नहीं। श्यामा ऑटो में इस वक्त हम हैं, आप देख सकते हैं। तकरीबन ये समझिए कि मैं पहुँच तो गया था टाइम से ही, लेकिन रेलवे स्टेशन के पास थोड़ा सा मुझे परेशानी हुई कि वो जो इमिग्रेशन मैंने सेट करा था लोकेशन, वो मुझे वहाँ घुमाता रहा। तो मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी यूट्यूबर के चैनल पे आप जाएं और वहाँ पे जो दिया हुआ है वहाँ से अगर आप ये लोकेशन लेते हैं तो बहुत झंझट नहीं, वो सीधा आपको बड़ा आराम से पहुँचा देता है। जब मैंने उस पर डाला है तो 5 मिनट के अंदर में मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। तो आइए भाई से बात करते, क्या नाम है भाई आपका? ऋषि। ये ऋषि भाई हैं और आप सर? शिवम। ये शिवम भाई हैं, ये दोनों हमारी हेल्प करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊँ कि आज मैं यहाँ पर जो है जो भी प्रोटेक्शन गियर्स होता है वो सारा लेने आया हूँ, और हो सकता है उसके अलावा भी बहुत कुछ। देखता हूँ मेरे बजट में कितना आ जाता है। भाई हेलमेट आप दिखा दें सबसे पहले। सर अगर एक सेक्टर में आते हैं तो हमारे पास इको हेलमेट है, इको THS जो कि आपका सेम ही ब्रांड है जी, जी। इंडिया में जो जिस नाम से लॉन्च हो वो निको है। निको है तो ये सारे प्राइस क्या आता है इस सब का भी? निको सर आपको 3500 से स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, और उसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी आ जाता है। आ जाता है। अच्छा, थोड़ा बढ़िया में उसमें ही अगर आप बढ़िया में जाना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं। इसमें देखिए डबल वाइजर कितने का है? ये 5000 के करीब का है। और ये वाली जो होती है इस टाइप का? और ये सर बिलमोला है। अच्छा, इसमें और भी सारे हैं? और भी सारे हैं। बिलमोला आपको 9000 का आता है सर। अच्छा, 9000 का। और ये आपका मोटोक्रॉस है, ये एग्जॉर का मॉडल है। एग्जॉर का है जी, ये आपके 6000 का है। और ये आपका विथ वाइजर है, इसके अंदर डबल वाइजर है। अच्छा, ये 7000 का। अच्छा, क्या खासियत होगा इसके विथ वाइजर वाले में? इसमें एंटी फॉग भी लगा हुआ है। एंटी फॉग लगा हुआ है ना, फॉग नहीं बना। ठंड में भी अगर आप चलाते हो तो इसमें आपका ये वाइजर आ जाता है नीचे, ये वाइजर हो गया। अच्छा, और फिर इसमें आपको एक सेकेंड वाइजर भी दिया हुआ है। अच्छा, सेकेंड यहाँ से निकलता है। यहाँ पर निकलता ज़्यादा, अगर धूप वगैरह हो जाती है तो जैसे तो बाइक वगैरह में रहता है। इसका 7 के करीब आपने बताया, 7000। इसमें ये देख सकते हैं आप, ये ईयर रोकने के लिए भी दिया हुआ है। मजबूती का कैसे किया गया इसका? मजबूती के लिए सर इसमें आपको सर्टिफिकेशन मिल जाते हैं ISI, EC और डॉट। ISI आपका इंडियन सर्टिफिकेशन होता है, डॉट आपका USA का सर्टिफिकेशन होता है, EC आपका UK सर्टिफिकेशन होता है। विच मीन्स कि आपका ऑल ओवर दी वर्ल्ड आपको चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो इसको पूरी दुनिया घूम सकते हैं। पूरी दुनिया घूमने के लिए है, घूमना तो अपने को है। तो इसमें और कलर्स भी मिल जाएंगे और ब्रांड भी मिल जाएंगे सर। हाँ, SNK में भी हमारे पास अवेलेबल है, जैसे ये आपको विदाउट वाइजर वाले हैं तो SNK में हमारा कलर है बुलेट का खास तौर से, तो ये सिल्वर इसमें मैच कर जाएगा। ये थोड़ा सा सिल्वर स्लाइटी है तो अच्छा लग रहा है कलर इसका। मजबूती वगैरह का भी देखेंगे इसमें भैया, जो अंदर ही ब्लूटूथ वगैरह रहता है वो? ब्लूटूथ आपको सर कुछ हेलमेट चाहिए जैसे स्टड्स वाले हैं तो काफ़ी लो अमाउंट में ही आपको आ जाते हैं, लेकिन उसकी जो ब्लूटूथ क्वालिटी होती है स्पीकर की क्वालिटी वो उतनी अच्छी, वो उतनी अच्छी नहीं होती। इसमें आपको स्पेस सब दिया हुआ है, इसमें कंपेटेबिलिटी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, आएगा वो देख सकते हैं। इस वक्त में हम लोग ट्राई कर रहे हैं, इस वक्त में जो है वो राइडिंग जैकेट, और ये भाई ने दिखाया है ये कौन सा कंपनी भैया? रैनॉक्स का है ये, और ये डबल प्रोटेक्शन है, स्ट्रॉन्ग है, स्टील टू है, स्ट्रॉन्ग है। अब देख सकते हैं इसमें बहुत सारे पॉकेट्स वगैरह भी दिया गया है जो कि काफ़ी आपको जो है वो प्रोटेक्ट करेगा, बाकी सब जगह जो है प्रोटेक्शन की जगह भी है, बैक में भी है, क्रिप्स वगैरह पर हर जगह दिया गया है। तो ये डबल लेवल है भैया, टाइप टू है, लेवल टू का है, टाइप ए है, लेवल टू है। अच्छा, टाइप बी भी आता है क्या? तो आप देख सकते हैं फिलहाल हमने जो है जो चूज़ करा है ये रैनॉक्स जैकेट, अभी सबसे बढ़िया में यही है, और उसके साथ ये पैंट भी है जो कि काफ़ी मजबूत होता है। और इसमें भी जो है ये ए है और टू लेवल का जो है, लेवल
लेवल टू का प्रोटेक्शन इसमें भी है, देख सकते हैं ये हिप में भी है, थोड़ा हिप भी कवर कर लेता है, और ये यहाँ तो जो जहाँ करना चाहिए वहाँ कर ही रहे हैं। और यहाँ यहाँ पे लेना होगा क्या? नहीं, इसमें ये जो है ना ये एडजस्टेबल होता है, अच्छा, आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो, जहाँ लगाना है। चलिए देख सकते हैं, इसमें भाई बोल रहे हैं कि 5 साल का इसमें वारंटी मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसमें 5 साल की वारंटी रहती है दोनों में, पैंट पैजामा दोनों में भी है। और साथ में अगर कहीं आपको खुदा ने खास्ता कुछ हो भी जाता है तो 50,000 का एक्सीडेंटल कवर भी है, अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाती है तो इलाज के लिए ठीक ठाक हो जाता है। तो इसीलिए इसमें तो आपको रसीद लेनी ही चाहिए और पक्का बिल के साथ ही लेनी चाहिए। चलिए भाई ये दोनों रहेंगे, देख सकते हैं ऋषि भाई जब से लगे हुए हैं, बहुत चीज़ हमने अभी तक चूज़ करा है जिसमें आप देख सकते हैं कि पैंट है, जैकेट है, और ये हैंड ग्लोव्स भी अभी तक देखा हूँ, प्राइस देखता हूँ बजट में आ जाता है तो। और अभी ये बैग तलाश की जा रही है, थोड़ा छोटा है ये, थोड़ा सा इससे बड़ा हम लोग चाह रहे हैं कि मिल जाता तो बढ़िया था, क्योंकि फिर बार बार तो लेने का चीज़ होता नहीं है, आप एक बार लेना है चीज़ तो बढ़िया रहना चाहिए, दिख रहा है कि दिख रहा है यहाँ पे है, तो हम लोग लगे हुए हैं कि मिल जाए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि आपको जो भी चीज़ें चाहिए यहाँ भाई मिल जाती है, एक से एक चीज़ें आप मैं आपको वो संतुलित करके तो नहीं दिखाऊंगा एक एक चीज़ की कैसे क्या है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो आपके मन में चल रहा होगा खासतौर से हेलमेट्स वगैरह देखिए आप बहुत ज़्यादा है, एक से एक ब्रांड का हेलमेट है, और जो गियर्स आपको चाहिए तकरीबन काफ़ी गियर्स इनके पास मौजूद है। आप देख सकते हैं कि जिस चीज़ों के लिए हम आए हुए थे, फिलहाल चल रहा है यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये रेनॉक्स का हमने जो है जैकेट चूज़ करा है, फिर पैंट है, तो आप देख सकते हैं दुकान में हम लोग हैं, लगातार चीज़ें देख रहे हैं। अभी हमने रेनॉक्स का जो है वो जैकेट चूज़ करा है, तकरीबन भाई कितने का बता रहे थे? 12,750 का भाई बता रहे हैं, बाकी देखते हैं कुछ हो सकता है या नहीं, ये बात की बात है। फिलहाल ये काफ़ी बढ़िया है, प्रोटेक्शन इसके साथ में एक चीज़ फ्री इसमें दिया है ना, ये कमर में लगाने के लिए बेल्ट, ये देख सकते हैं बेल्ट दिया गया है, ये आपका पोस्चर जो है वाइल राइडिंग स्ट्रेट है, राइडिंग स्ट्रेट है, परेशानी नहीं होगा, दर्द भी नहीं होगा। चलिए पैंट है ग्रेनॉक्स का ही, ये शायद फर्नांडो का ये ग्लॉप्स है, काफ़ी खूबसूरत ग्लॉप्स है देख सकते हैं आप, और बीच में कोई कॉल आ रहा है देख सकते हैं। मैं अब जो है मार्केटिंग करीब करीब सामान जो है वो ले चुका हूँ मैं और चूज कर चुका हूँ, तो भाई देखा है क्या क्या है फिलहाल यहाँ पर, विंटर लाइनर जो कि जैकेट के अंदर विंटर लाइनर होगा, ओके आपका नेविगेटर टैंक हो गया, नेविगेटर टैंक बैग हो गया, नेविगेटर टैंक बैग जी, और इसको एज ए मल्टीपल बताइए, और ये आपका टोर्नेडो प्रो ग्लव्स बता दी, 3600 अब देख सकते हैं भाई, मुझे पहले ये तो पता था कि लोग रेनॉक्स के दीवाने क्यों है, ये मुझे जब पता चला जरा इसको खोलिए, देखेंगे आप इसके अंदर में खुश हो जाएंगे भाई काफी, ये देखिए सबसे बड़ी ये जब ओपन होता है ना तो आपका दिल पीला ऐसा लगेगा हार्ट ओपन हो जाता है, ये पीला सा चीज देख रहे हैं, ये तो रेनकोट है, और ये देखिए आप ये इसी में रहता है, ये हो गया आपको ऊपर से कवर करने के लिए, यस ये रेन कवर हो गया बैक का हो गया, अब इसके अंदर आप कोई यूटेंसिल डाल रहे हो तो उसके लिए रेन कवर है, उसको डाल के इसमें आप सामान डालिए, इसके बाद इसको बंद कीजिए, ये आपका सामान उठ गया वाटर प्रूफ, इसको निकाल के भी लेके जा सकते हैं, इसको डाला ये पैक हो गया, इसको एज अ ये अपना लगाया बैक पैक के जैसे भी यूज करके वो दो होगा जी, हाँ बिल्कुल दो होगा, एक और होगा, अब देख सकते हैं भाई ये कब ये आपको दीवाना बना सकते हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी का चीज़ है ये, मेरा मानना एक ही है कि महंगा है तो बढ़िया, एक बार बचपन में हम लोग सीखते तो प्रचार आता था कि बड़ा है तो बढ़िया है, और मैंने सीखा कि महंगा है तो बढ़िया है, एक बार ले लो बढ़िया रहता है, और ये भी है ग्लव्स, आपका ग्लव्स हो गया, ग्लव्स कितने का प्राइस है? टोर्नेडो प्रो ये आपका इसका 4450 है सर, नेविगेटर हो गया ये मॉडल, काफ़ी अच्छा है ये, तो हमारे तरफ से आपके लिए थैंक यू तो दिया भाई, ये बिहार के लोगों से कुछ दे रहे हैं, कलकत्ता में 2.5 लाख का मैंने मार्केटिंग करा था सारे कैमरा, उसमें बस नाश्ता करवाया,
खैर जो भी है, खैर अगर आपको नाश्ता चाहिए वो भी करा देंगे। नहीं उसके लिए नहीं भाई, वो तो बजाय। ये देखिए बढ़िया, अभी तक मेरे ख्याल से आपके पास ये सबसे हाईएस्ट में से है, मतलब अच्छा गए ना। अच्छा ये चीज है मेनली, इसमें आता आपको बेल्ट भी आता है जो आपके कमर के सपोर्ट कर रहा, सपोर्ट ले रहा, आराम से क्रूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी काफी खूबसूरत है, ब्लैक टैग इसको बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये काफी खूबसूरत है, इसके अंदर भी जरा दिखाई जाता है, इसके अंदर भी देखते हैं। ये देखिए इसमें भी जब ये फुटता है, तो आप देख सकते हैं ये देखिए वाटर प्रूफिंग अंदर से, वही बात इसमें भी मामला। ये देखिए आप कहीं भी सामान रख के बिल्कुल ही आप, बिल्कुल आपको नहीं सोचना है कि सामान का क्या होना है, कैसे क्या होगा, चाहे कितनी भी तेज बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, सामान नहीं भीगेगा। बैग तो भीगेगा, बैग के ऊपर से भी तो कवर है, वो भी नहीं भीगेगा, बैग के ऊपर से भी कवर दिया है ना, अंदर कवर बिल्कुल। हाँ था, हाँ ये नया नया आया, मुझे भी नहीं पता। हाँ शायद मैंने देखा तो सही, दूसरा वाला खोलिएगा, देखिएगा मेरे ख्याल से था, देख लेते हैं ऑलरेडी वाटर प्रूफ है। आप देख सकते हैं वाटर प्रूफिंग की जरूरत, ये सारा चीज अभी हमने चूज करा है, फिर पहले ही आपको दिखाएंगे। पटना में ओनली वन ऐसा दुकान शॉप मुझे मिला अभी तक, थोड़ा सा शूज नहीं मिल पाया क्योंकि वो लंबा वाला है, साइज की प्रॉब्लम और कोई बात नहीं। और हेलमेट भाई ने कहा कि आपके पास ऑलरेडी बढ़िया हेलमेट है भैया, अभी सिर्फ चलाइए, तो बात भी सही है, हेलमेट ठीक था, हेलमेट भी छोड़ दिया है, बाकी सामान हो गया है। इसमें झटका लगा, वॉयस आ रही है नहीं पता नहीं, मैं देखूंगा अभी, वो भी फुर्सत नहीं इस वक्त में। यहाँ कुछ लोग मिल गए यार, बहुत सपोर्ट करने वाले लोग हैं बिहार में, मुझे पता ही नहीं था, काफ़ी सपोर्टिव है सभी। और मेरा बैग पूरी था इस तरह से लोडेड हो गया भाई, बड़ा मज़ा आ रहा है, सच पूछिए तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये लोडेड बैग आगे भी लोडेड, पीछे लोडेड, हर जगह बैग लोडेड है और मजा आ रहा है। लेट हो रहा हूँ, देखता हूँ कि कितना जल्दी निकल पाते हैं पटना से। बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ नहीं भी मिला, जैसे कि शूज़ वगैरह जो थे वो साइज़ के नहीं थे हमारे, और हेलमेट यार पता नहीं मेरा सर बड़ा है, नहीं मिला मेरे सर का हेलमेट, जो मैं ढूंढ रहा था वो नहीं मिला। बाकी एक से एक हेलमेट था इनके पास, महंगा से महंगा, सस्ता से सस्ता, आपके रेंज में था जो आप ले सकते हैं। कुछ लोगों ने सब्सक्राइब किया, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सपोर्टिव लोग हैं, काफ़ी खुश हुए देखकर, सच पूछिए तो बहुत अच्छा। इसी बात से डर रहा था कि रात में हो जाए, और आखिरकार अभी मुजफ्फरपुर पहुँचने वाला हूँ, अभी टाइम अपने 5:16 हो चुका, शाम होने को है, तकरीबन 7-8 किलोमीटर बचे हैं मुजफ्फरपुर, देखते हैं इस
रोशनी में पहुंच पाते हैं या फिर जाम आज मिला नहीं है, ऐसा ना हो कि ये जाम मिल जाए तगड़ा सा। देखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि बचा रहे, लेकिन क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में कुछ है नहीं। कोई गाड़ी घुमा रहा है भैया, तो आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर से मैं निकला हूँ और रात का मौसम है और ये अब बज गया है, 6:11 हुए हैं। 7 किलोमीटर तकरीबन 100 किलोमीटर का और सफ़र है यहाँ से, 60 किलोमीटर तो दरभंगा ही जाना है। और रात का मौसम है, पता नहीं सड़क का क्या हालात रहता है, कैसे क्या रहता है। अभी तो बहुत दिनों के बाद इस रास्ते से रात को चलने का मौका लगा है, वैसे तो कभी गया नहीं हूँ। देखते हैं क्या रहता है।